आज की डिजिटल दुनिया में हम हर एक किस्म के काम ऑनलाइन कर रहे हैं। किसी तरह का डेटा ट्रांसफर करना हो, रिसीव करना हो, या फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी हो, जैसे कि पैन कार्ड की डिटेल्स, आधार कार्ड की डिटेल्स या फिर आपके फोटोज। ऐसे में यदि ये वेबसाइट नकली निकले तो आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ZBiz.com। मैं हूँ आपके दोस्त ऋतु शर्मा और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। यानी कि आप कैसे जांचेंगे कि जिस वेबसाइट को आप सर्च कर रहे हैं या जिस वेबसाइट को आप यूज कर रहे हैं वो असली है या नकली। वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी आप कैसे चेक कर सकते हैं? इसके लिए आप पहला काम कर सकते हैं कि कनेक्शन टाइप चेक करें। कनेक्शन टाइप यानी कि अपने वेब एड्रेस पर चेक करें कि वो HTTP है या फिर HTTPS। HTTP जो है वो ऑन डिमांड कनेक्शन तो इस्टेब्लिश करता है लेकिन आपको एक सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, जबकि HTTPS जो है वो SSL यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर का उपयोग करके आपकी जो कन्वर्सेशन है उसको इनक्रिप्ट कर देता है। इसका मतलब ये होगा यदि आपका जो डेटा है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा तो वो आपके और रिसीवर पार्टी के बीच रहेगा, उसे कोई भी थर्ड पार्टी या कोई स्कैमर रीड नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा जांचें कि आपके वेब एड्रेस पर HTTP कनेक्शन है या फिर HTTPS। वेबसाइट की सिक्योरिटी चेक करने का दूसरा तरीका है पैडलॉक द्वारा। आपको वेबसाइट के ऊपरी हिस्से में पैडलॉक आइकन देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको वेबसाइट से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि आपकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर्ड है या नहीं है, कितनी कुकीज़ वो वेबसाइट यूज़ कर रही है। वेबसाइट असली है या नकली ये जांचने का तीसरा तरीका है कि आप URL को ध्यान से चेक करें। सिर्फ जो कनेक्शन है वो HTTPS है या फिर पैड आइकन से डिटेल्स लेना काफ़ी नहीं होता। कई बार जो स्कैमर्स हैं वो इतनी अच्छी क्लोनिंग करते हैं वेबसाइट की, यानी कि वो असली वेबसाइट से बिल्कुल मिलती जुलती वेबसाइट बना देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप वेब एड्रेस को ध्यान से पढ़ें, उसमें देखें किसी तरह की स्पेलिंग एरर्स अगर आपको देखने के लिए मिलती हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा शब्द या सिंबल्स आपको देखने को मिलते हैं तो हो सकता है कि वो वेबसाइट जो है वो नकली हो, यानी कि स्कैमर्स आपका डेटा चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा तरीका है वेबसाइट का कॉन्टेंट चेक करें। अगर वेबसाइट असली है तो जाहिर सी बात है कि जो वेबसाइट का कंटेंट है, फोटोज़ हैं, वो अच्छी क्वालिटी में अपलोडेड होंगे। तो हमेशा चेक करें कि वहाँ पर यूज़ किए हुए फ़ोटोज़ किस क्वालिटी में हैं, वहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो कितनी अच्छी है या बुरी है। तो कह सकते हैं कि वेबसाइट का एक तरह से आप कॉन्टेंट की क्वालिटी को देख करके भी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी पता लगा सकते हैं। अब सबसे आखिर और आसान तरीका है कि गूगल की मदद लें, क्योंकि गूगल इन तरह के स्कैमर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो गूगल ने अपना डेडिकेटेड पोर्टल जो है गूगल सेफ ब्राउजिंग ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के नाम से बना रखा है। यहाँ जाकर के आप इस URL को पेस्ट करें, यह आपको स्कैन करके सर्च करके अच्छे से बता देगा कि आपकी जो URL है वो सेफ टू यूज है या नहीं। वेब एड्रेस की ऑथेंटिसिटी चेक करने के तरीके और भी हैं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहें ZBiz.com और अन्य खबरों के लिए ZBusiness को सभी प्लेटफॉर्म से सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।